Please subscribe to Mahi and Mani show and press on the bell icon to be updated with all our videos. Hello everybody, welcome back to my channel. So in this video we are going to do class 6 maths chapter 1 knowing our numbers part 2. I have already completed part 1 and the solutions of that part 1 question. Okay, so if you have not seen, the link is in the description. You can go and see from there. So now let's start with today's part 2. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और बहुत सारे और भी चीजों के बारे में बताया था, ठीक है, पार्ट टू में. तो आज हम डील करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से, ठीक है. हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा, वैसे ही है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है. तो ये भी कुछ कुछ इंडियन सिस्टम से सिमिलर है, थोड़ा अलग भी है, ठीक है. तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो ये जो होता है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, उसके आगे उतना होता तो नहीं, लेकिन उसके आगे होता है ट्रिलियन, ठीक है, उतना हम कंसीडर नहीं करते हैं. तो वंस जो होता है हमारा पहला पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. क्या क्या है वो, यूनिट यानी वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है. ये जो हमारा पहला कैटेगरी है वो है यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड में डिवाइडेड है, ठीक है. ऐसे जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है. क्या क्या, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, फिर मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, फिर बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन, उसके आगे जाए तो ट्रिलियन, टेन ट्रिलियन, हंड्रेड ट्रिलियन, ठीक है. तो अगर हम वंस की बात करें तो थ्री पार्ट्स में है, वंस, टेंस, हंड्रेड. जैसा कि हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा था, सेम इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये सेम है. थाउजेंड्स की कैटेगरी में देखें, जो इंडियन सिस्टम में हमने पढ़ा था, तो थाउजेंड, टेन थाउजेंड तक तो सेम है बिल्कुल, लेकिन हंड्रेड थाउजेंड के बाद एकदम डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हंड्रेड थाउजेंड जो है वो इंडियन सिस्टम की कैटेगरी में नहीं आता. ये नया है, ये इंटरनेशनल सिस्टम की कैटेगरी में आता है, ठीक है. टेन हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है, और उसके बाद आता है मिलियन, ठीक है, फिर टेन मिलियन, फिर हंड्रेड मिलियन, ठीक है. इसमें तो इसमें जो है हंड्रेड तक का सीरीज चलता है, ओके. हमने उसमें क्या देखा था, उसमें टेन तक ही रहता है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, ठीक है. लेकिन इंडियन सॉरी इंटरनेशनल सिस्टम में तीन रहता है, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, ठीक है. तो उसके बाद आता है बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन, फिर ट्रिलियन जो मैंने आपको बताया वो वाला, ठीक है. तो ऐसे ही हमारा पूरा चलता है, ओके. तो अब हम इसका यहाँ कुछ नंबर्स है, मैंने यहाँ डाल के दिखाती हूँ कैसे इनको पुट करेंगे इसमें, ठीक है. तो पहला हमारा है नाइन, फिर दूसरा है हमारा फोर टेंस प्लेस पे, फिर हंड्रेड प्लेस पे है थ्री, फिर हमारा है थाउजेंड प्लेस पे वन, टेन थाउजेंड प्लेस पे भी वन, फिर यहाँ पे टू, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे सिक्स, यहाँ फाइव, यहाँ पे टू, ठीक है. हमने पूरा नंबर यहाँ पे डाल दिया है. इसे कैसे रीड करेंगे, जो हमारा पहला नंबर है यानी टू, ये कौन सी कैटेगरी में, ये बिलियन की कैटेगरी में पहला वाला, बिलियन. तो इसे हम अकेला पढ़ेंगे क्योंकि ये इस कैटेगरी में सिर्फ अकेला है, तो ये उसको पढ़ेंगे हम टू बिलियन, ठीक है. फिर कौन सा है, मिलियन. मिलियन की कैटेगरी में तीनों है, ठीक है, फाइव, सिक्स, नाइन. तो तीनों को एक साथ पढ़ना होगा क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी में है, ठीक है. तो कैसे रीड करेंगे, अगर इसे नॉर्मली देखें हम लोग, मिलियंस को हटा के नॉर्मली पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन. तो वैसे ही पढ़ेंगे 569, क्योंकि ये मिलियन की कैटेगरी में है, तो 569 मिलियन, ठीक है. तो 2 बिलियन 569 मिलियन, ऐसे ही 211,000 एंड 349, लास्ट में एंड लगा देंगे क्योंकि ये लास्ट ग्रुप है, ठीक है. तो कैसे पढ़ा, हमने बिलियन को अकेला पढ़ा क्योंकि इसके ग्रुप में सिर्फ एक ही है अभी, उसके बाद मिलियन को एक साथ पढ़ा 569 मिलियन, ठीक है, क्योंकि तीनों एक साथ है, ऐसे ही थाउजेंड में किया 211,000 एंड 349, ठीक है. तो इसको ऐसे रीड आउट करेंगे. और अगर आपको इसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इंटरनेशनल सिस्टम में, मैंने आपको इंडियन में बताया था कि पहले तीन गैप के बाद कॉमा देते हैं, तीन प्लेसेस छोड़ के पीछे से कॉमा देते हैं, फिर दो प्लेसेस, फिर दो प्लेसेस और आगे कंटिन्यू होता है, बताया था. ऐसे ही इसमें भी वही चीज सेम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पहले तीन प्लेसेस छोड़ के यहाँ कॉमा देंगे, फिर यहाँ तीन प्लेसेस छोड़ के कॉमा देंगे, फिर तीन प्लेस छोड़ के कॉमा देंगे. इसमें ऐसा नहीं है कि दो दो को छोड़ना है फिर तीन को छोड़ना है, सब प्लेसेस पे तीन तीन को छोड़ के कॉमा देना है, ठीक है. तो ये इसमें ऐसे जो है कॉमा लगाते हैं यानी पीरियड्स लगाते हैं इसमें, ठीक है. नेक्स्ट नंबर में भी आपको मैं लगा के दिखा देती हूँ, यहाँ तीन नंबर के बाद, फिर यहाँ तीन नंबर के बाद आगे नंबर होता तो फिर आगे भी तीन नंबर के बाद कॉमा लगा देते हैं, ठीक है. ये नेक्स्ट वाले नंबर में भी देख लेते हैं, तीन नंबर के बाद, फिर तीन नंबर के बाद, फिर तीन नंबर के बाद, ठीक है. ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे. तो ये नंबर्स आप जो है इस टेबल में पुट करके रीड कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है. अब मैं ये आपको चार्ट पढ़ा देती हूँ, तो ये क्या है देखते हैं. तो जो हमारा पहला प्लेस वैल्यू होता है वो होता है वंस, होता है
तो इंडियन सिस्टम में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं वन, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम उसको वन कहते हैं। ठीक है, वन या यूनिट एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद टेंथ, टेंथ को हम क्या कहते हैं इंडियन सिस्टम में, टेंथ बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में भी टेंथ बोलते हैं। फिर हंड्रेड को क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम में भी हंड्रेड, इसमें भी सेम, इंटरनेशनल में भी हंड्रेड। फिर थाउजेंड को भी हम थाउजेंड थाउजेंड बोलते हैं, फिर टेन थाउजेंड को भी, इसमें भी टेन थाउजेंड, इसमें भी टेन थाउजेंड, लेकिन इसके बाद से पूरा जो है चेंज हो जाता है। इंडियन सिस्टम में जो लाख उसको लाख बोलते हैं, और इधर हम इसको बोलते हैं हंड्रेड थाउजेंड। फिर ऐसे टेन लाख को यहाँ बोलते हैं मिलियन, करोड़ को हम यहाँ बोलते हैं टेन मिलियन, टेन करोड़ को हम यहाँ बोलते हैं हंड्रेड बिलियन, हंड्रेड करोड़ को यहाँ बोलते हैं बिलियन। ठीक है, तो टेन थाउजेंड तक जो है दोनों में सेम रहता है, उसके बाद जो है पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ये कुछ कुछ को आपको टर्म्स को याद करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक, आई काउंट टिल फाइव, फाइव फोर थ्री टू वन, आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वी विल डील विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स, ओके, तो लेट्स सी मोर अबाउट नंबर्स। तो देखते हैं इसको पहले, तो पहले ये दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर बिटवीन 36 एंड 47। यहाँ आपको 36 से लेके 47 के बीच के नंबर्स ढूंढने हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सक्लूडिंग 47 एंड 36, मतलब आपको ये 36 और 47 को इंक्लूड नहीं करना अपनी काउंटिंग में, इन दोनों के बीच के नंबर ढूंढने हैं, बिटवीन। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे, हम नॉर्मली काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तो कैसे करोगे, इतना बड़ा काउंटिंग थोड़ी ना करोगे अगर आपको जल्दी करना होगा तो। और तो क्या करोगे, अगर आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो कैसे करोगे, इसका एक तरीका है। जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है हमारा 47, माइनस छोटा नंबर 36, इन दोनों को माइनस कर लेना है। तो यहाँ 47 माइनस 36 आता है 11, और उसमें से फिर वापस से माइनस 1 कर देना है, तो जिससे आंसर ये हमारा क्या आया, 11 माइनस 1 10 हुआ। ठीक है, जैसे आप कोई और दूसरा नंबर ले लो, 56 और मान लो 70 के बीच का आपको ढूंढना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 70 माइनस 56, 70 माइनस 56 ये कितना आया 14, और उसमें से आपको करना क्या था, माइनस 1 कर देना था, यानी इसमें से माइनस 1 करोगे तो आया था आपका 13। आंसर क्या हुआ, 70 माइनस 56 हुआ 14, और उसमें से माइनस 1 क्या आया, 13। तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और फिर उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर 10 आया है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं, फाइंड द नंबर बिटवीन 36 एंड 47 इंक्लूडिंग 47 एंड 36। यहाँ आपको एक्सक्लूड करना था, यहाँ आपको इंक्लूड करना है, मतलब इन दोनों को भी अपने काउंटिंग में कंसिडर करना है। तो इसमें करना क्या है, इसमें बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है और उसमें प्लस 1 करना है। ठीक है, यहाँ माइनस 1 किया, यहाँ प्लस 1 किया, बस इतना अंतर है। तो यहाँ ये आया 11, 47 माइनस 36 प्लस 1 कितना हुआ, 12 हुआ यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो इसको कैसे किया, हमने बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया और उसमें प्लस 1 किया, और यहाँ बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया और माइनस 1 किया, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे करते हैं। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, इन केस ऑफ वन डिजिट नंबर, अब हम ये सब देखते हैं थोड़ा सा। इन केस ऑफ वन डिजिट नंबर, वन डिजिट के नंबर के केस में, पहले तो देख लेते हैं वन डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारा, 0 होता है। सबसे लार्जेस्ट कौन होता है हमारा, 9 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ वन डिजिट नंबर्स, तो टोटल वन डिजिट नंबर्स कितने होते हैं हमारे, तो ये तरीका निकालने के लिए मैंने इसीलिए दोनों तरीके समझाए हैं। तो इसके लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, हमें टोटल निकालना है, बिटवीन नहीं निकालना है 9 और 0 के, हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालना है तो सेकेंड तरीका, क्योंकि हमें दोनों को इंक्लूड करना होगा, है ना, इंक्लूड करना होगा। तो नंबर क्या है हमारा, 9 नंबर हमारा क्या है, 0 और 9, मैं यही दिखा देती हूँ, 0 और 9 है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 9, छोटा नंबर सबसे क्या है, 0, तो प्लस 1, तो 9 माइनस 0 हुआ 9, उसमें 1 ऐड किया तो 10, बस इतना सा करना था हमें यहाँ पे। अब टू डिजिट के नंबर के केस में, टू डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 10 से लेकर 99 तक, तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 10 होता है। लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, 99 होता है। अब अगर हमको टोटल टू डिजिट नंबर निकालने, तो कैसे करोगे इसे, कैसे करोगे, देखो मैं ब्लू मार्कर से बताती हूँ। इसे करने के लिए सबसे बड़ा नंबर लेना है, फिर उसमें से 10 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा टू डिजिट का नंबर ये, सबसे छोटा ये है। ठीक है, उसके बाद इन्हें ब्रैकेट में रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 1, क्योंकि हमें इन दोनों को इंक्लूड करना है। तो 99 माइनस 10 हुआ कितना, 89, और उसमें 1 ऐड किया तो कितना हुआ, 90, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर है।
ठीक है। तो कैसे किया मैंने, दोनों मतलब बड़े में से छोटा माइनस किया और उसमें वन ऐड कर दिया, जो कि यहाँ बताया था मैंने। ऐसे ही थ्री डिजिट के नंबर के केस में ये 100 से 99 तक होता है। सबसे छोटा थ्री डिजिट का नंबर होता है 100, सबसे लार्जेस्ट थ्री डिजिट का नंबर होता है 999, ठीक है। अब हमको टोटल कितने थ्री डिजिट के नंबर होते हैं वो बताना है, तो 999 - 100 + 1 यानी 900 आंसर आएगा, ये आप करके देख लेना। ऐसे ही फोर डिजिट के नंबर के केस में सबसे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या है 1000, सबसे लार्जेस्ट क्या है 999, टोटल कितने 9099 - 1000 + 1 कितना आएगा 9000 आएगा, ठीक है। तो सेम तरीका से हमें फॉलो हो रहा है, ऐसे ही हर डिजिट के लिए, सिक्स डिजिट के लिए, सेवन डिजिट के लिए, सबके लिए ऐसा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ, तो यहाँ पे देखो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर प्लस वन, ये लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर हमारा क्या है, मैंने आपको यहाँ बताया था 9 है, ठीक है। उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। ऐसे ही सेकंड में देखो लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर में 1 ऐड करोगे तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर आ रहा है। ये देखो कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर आया, ऐसे ही लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर आया, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर आया, ऐसे ही ये पूरा चलता जाएगा। तो एक पैटर्न है, तो ये पैटर्न भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो ये हर जगह देखोगे अगर आप इस पैटर्न को लेकर चलोगे, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, आई विल काउंट टिल 5 5 4 3 2 1, आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सो अब हम अगले टॉपिक पे देखते हैं, ओके। सो नाउ वी विल डील विद सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसे खुद से सॉल्व करें, बिकॉज अगर आप इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो आई विल काउंट टिल 5 5 4 3 2 1, आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स। तो अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है जिसमें 3 डिफरेंट डिजिट्स हो, ठीक है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ लिखना होगा सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि हमारा होगा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये रहा हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि 10000, ठीक है। हमने ये लिख लिया, पहला स्टेप डन। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। अब हमें ये 3 डिफरेंट डिजिट ढूंढने हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट निकालना है तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये नंबर देखते हैं, इस नंबर में आपको कितने डिफरेंट डिजिट दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, क्यों, एक हमारा ये 2 है, सॉरी हमारा ये 0 है, एक हमारा ये 1 है, 2 तो हमें मिल गए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन सा मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। हमें एक और नंबर चाहिए जो स्मॉलेस्ट हो, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 1 और कौन सा नंबर होता है जो स्मॉलेस्ट होता है, 1 के बाद आता है 2, इसके अलावा तो कोई और से छोटे नंबर है नहीं, 0 1 2 तीनों नंबर हमें मिल गए। अब हमें करना क्या है, तो स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया, स्टेप नंबर 2 क्या था, हमें वो 3 नंबर ऑब्टेन करने थे, ठीक है। तो हमने जो ऑब्टेन कर लिए तो वो कौन है, 0 1 2, दोनों स्टेप हो गए। अब स्टेप नंबर 3 की बारी है, जहां पे हमें ये तीनों नंबर्स को अच्छे से अप्लाई करना है। तो पहले 2 नंबर्स जो है वो तो ऑलरेडी अप्लाइड हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में से ही दोनों नंबर निकाले, हमें 2 को डालना है कौन सी जगह पे, आप देखते हैं। अगर हम इसे 10th प्लेस पे डालेंगे तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 10 यानी 20, यहाँ डालेंगे तो 200, यहाँ डालेंगे तो 2000। हमें बनाना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, हम डालेंगे इसे यूनिट प्लेस पे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे ये 2 रहेगा, तो नंबर क्या बन जाएगा, 1002। क्यों बनेगा 1002, क्योंकि हम 2 को यहाँ इसीलिए डाले हैं, क्योंकि 10th पे डालते तो 20 हो जाता है, यहाँ डालते तो 200 हो जाता है, यहाँ डालते तो 2000 हो जाता, लेकिन हमें बनाना है सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर, तो इसीलिए हमें सिर्फ यूनिट पे डालेंगे, तो नंबर हमारा ये बन के आएगा, ठीक है, 10002, ठीक है। तो ये हमारा नंबर बनेगा, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ओके। आई होप आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझोगे। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं बताती हूँ आप लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर लिखना है जिसमें 4 डिफरेंट डिजिट हो, इसमें भी स्मॉलेस्ट करना है। सबसे स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, मैं इस बार ब्लू से लिखती हूँ। स्टेप 1 मैंने क्या बताया था,
सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख लेना है अपना, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 के आगे ये 6 जीरोस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरोस हमने लगा दिए। अब हमें क्या करना क्या है, अब हमें लिखना है मतलब हमें ये जो 4 डिफरेंट डिजिट है ये ऑब्टेन करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट डिजिट ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, ढूंढेंगे। तो इस वाले मतलब ये जो हमने नंबर लिखा इसमें आपको कितने डिफरेंट डिजिट दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं पहले वाले की तरह, 1 और 0, और 2 हमें चाहिए और स्मॉलेस्ट चाहिए, तो 0 और 1 तो हमें मिल गया। और 2 कौन से हो सकते हैं, 2 के बाद आता है 3, इससे छोटे तो और कोई नंबर नहीं है, अभी हमें फिट करना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे जो नंबर हमें मिले हैं, तो ये हमारे नंबर है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में हम जाते हैं, स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें डिजिट्स को इसमें फिट करना है हमारे इस नंबर में, ठीक है, 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में। तो 0 और 1 तो ऑलरेडी इसमें है, हमें 2 और 3 को डालना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिट प्लेस पर डालते हैं तो वैल्यूज की जो है छोटी हो जाती है, तो स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो यूनिट इतना तो हमें पता है कि यूनिट प्लेस पर डालना है, तो मैं यहाँ जो है इन दोनों प्लेसेस को आपको दिखा देती हूँ खाली करके, ये देखो। अब हमें 2 और 3 को इसमें डालना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 डाल देती हूँ मान लो और यहाँ पे 2 डाल देती हूँ तो ये बन जाएगा 32, ठीक है। अब हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, 32 बन रहा है, यहाँ हम 2 डाल देते हैं यहाँ 3 डाल देते हैं, कौन बड़ा लग रहा है, 32 या 23, कौन बड़ा है, 32, लेकिन हमें बनाना है स्मॉलेस्ट, तो 23 छोटा है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 डालेंगे यहाँ पे 3 डालेंगे ताकि हमें छोटा नंबर मिले। तो आंसर हमारा क्या होगा, इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए 100023, ठीक है। हमने 32 क्यों नहीं किया, नहीं तो ये हम मतलब ये जो है बड़ा नंबर बन जाता क्योंकि 32 हो जाता है ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग ये वाला समझ गए होंगे, ये एग्जांपल नंबर 1 जैसा ही था, खाली इसमें आपको 2 डिजिट करने थे, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल समझाती हूँ, तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का नंबर जिसमें 3 डिफरेंट डिजिट्स हो। स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं, ये स्टेप वाइज करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हमारा निकालना होगा, वो क्या है, 9 को 7 टाइम्स लिख देते हैं, वो हमारा ग्रेटेस्ट है 7 डिजिट का नंबर, लिख लिया हमने, तो पहला स्टेप हमारा डन। अब हमें क्या करना है, हमें 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए जो कि ग्रेटेस्ट होने चाहिए। इस नंबर में आपको कौन सा डिफरेंट डिजिट दिख रहा है, सब सेम है, सिर्फ एक मतलब सब सेम है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है जो कि 9 है, इसमें कॉमन हमें निकालना है 3 डिफरेंट डिजिट जो कि ग्रेटेस्ट होने चाहिए, ये याद रखना है ग्रेटेस्ट। तो 9 ऑलरेडी हमारे पास है और हमें 0 से 9 तक ही कोई नंबर लेना होगा, तो 9 तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब कौन से 2 ग्रेटेस्ट डिजिट मिल सकते हैं हमें, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, क्योंकि बाकी नंबर इनसे छोटे हैं, तो ये 3 डिफरेंट डिजिट्स हमारे हो जाएंगे इसे ऐसे करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, तो यहाँ स्टेप 2 हम लिख देते हैं, स्टेप नंबर 2 हमारा क्या हो गया, हमने ये जो तीनों डिजिट है वो निकाल लिए, वो क्या है, 9, 8 और 7, ठीक है। अब बारी है स्टेप नंबर 3 की, जहां पे इन डिजिट्स को हम डालेंगे इसमें, ठीक है, इस नंबर में। तो 9, 8, 7, 9 ऑलरेडी इसमें है, अब 8 और 7 को डालना है, तो इसमें हमें क्या बनाना है, इसमें हमें ग्रेटेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए पहले यहाँ पे मैं 2 ब्लैंक्स बना देती हूँ। अब यहाँ पे अगर हम 7 डालते हैं, यहाँ हम 8 डालते हैं, 78 बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे, 78। और मैं अगर उल्टा कर देती हूँ, यहाँ मैं 8 डालती हूँ, यहाँ मैं 7 डालती हूँ, अब क्या बन रहा है, 87। कौन बड़ा है, 87 या 78, 87 बड़ा है, तो हमें बनाना क्या है, ग्रेटेस्ट बनाना है, इसीलिए हम इस बार 87 लिखेंगे अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 87 लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, आवर आंसर विल बी 9, 9, 9, 9, 9, 8, 7, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट बनाना था, स्मॉलेस्ट बनाना होता तो 78 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आई होप आप लोग ये तीनों क्वेश्चन समझे होंगे, तो मैं आगे भी जो कुछ क्वेश्चंस दूंगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसी चीज को फॉलो करके आप वो सारे क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ओके। सो नाउ हम आगे कुछ नया टॉपिक नहीं देखेंगे, नाउ आप लोगों को करना ये है कि जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, ऐसे ये कुछ 10 क्वेश्चंस है, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इनके आंसर्स बताऊंगी, ओके। सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस, यू कैन टेक, आई विल काउंट टिल 5, 5, 4, 3, 2, 1।
taken the screenshot of this question. So, मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.